हर्षित ग्रोह पर मैं डॉक्टर दरक्षा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, हमने डिपार्टमेंट में 8 प्रोडक्ट डेवलप किए हैं जो बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं। ये 8 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अभी मार्केट में है नहीं, सब प्रोडक्ट जो है नए हैं। तो इसमें पहला प्रोडक्ट जो है ये वाटर चेस्टनट, जिसको हम गुअर ओट बोलते हैं, उसके चिप्स हैं या क्रैकर्स हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अभी तक सिर्फ उसकी रोटी बनाई जाती थी जो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए प्रेफर की जाती है। तो हमने उसको, क्योंकि वो स्नैक्स नहीं खा पाते थे, उनके लिए हमने ये इन द फॉर्म ऑफ स्नैक्स ये चिप्स बनाए हैं। प्लस इसमें अपना जो है लोकली ग्रोन वॉलनट एडेड है, तो जिससे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा, ये एक हर्बल सूप है जिसमें चिकपी है। चिकपी में बहुत हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन होता है। प्लस हमने इसमें अलहट डाली है, जिसको बॉटल गार्ड है ड्राइड। तो जैसे नूडल्स होते हैं बाहर, उसको हमने वो ट्राई किया है, अलहट डाली है। तो वो कंटेंट ऑफ सोर्स है इसमें। और प्लस इसमें कुछ हर्ब्स एडिड हैं जिनकी वजह, जिनका जो एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये एक हर्बल सूप है रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एक ये प्रोडक्ट है हमारा, ये निशास्त के लड्डू हैं। निशास्त इज़ अ फर्मेंटेड वीट प्रोडक्ट जो बारामूला में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और अभी तक इसका सिर्फ एक डेजर्ट बना है जो एज़ हलवा टाइप खाते हैं। तो वो उस जो वो डेजर्ट है वो सारे लोग प्रेफर नहीं करते, तो उसको हमने कुछ एक्स्ट्रा वो ड्राई फ्रूट्स डाल के हमने इन द फॉर्म ऑफ लड्डू लाया है। तो जो विदाउट शुगर है, जिसमें डेट्स हैं, हनी है, प्लस ड्राई फ्रूट्स हैं और निशास्त हैं। तो जिसकी वजह से इसका जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेगनेंट वेमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या वो पेशेंट जो शुगर नहीं ले पाते हैं वो ये लड्डू खा सकते हैं। नेक्स्ट, जो हमारे पास 2 टाइप के घी हैं, ये घी जो है ये 2 साइंटिफिक तरीकों से बनाया है, एक चर्निंग से और ये ट्रेडिशनल वे है घी मेकिंग का, और दूसरा जो है सर विद चर्निंग बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो 2 कलर्स आए हैं ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि अगर हमारा जो है वे ऑफ घी मेकिंग, उससे कितना कलर पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो एक ये स्क्वाश है, जिसका हमने वंडर स्क्वाश नाम दिया है। ये वाइल्ड रेसबेरीज से बनाया है। वाइल्ड रेसबेरीज में एंथोसाइनिन कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो उन्हीं एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ करने के लिए हमने इसका स्क्वाश बनाया है। जैसे हम मार्केट में आजकल जूस ले आते हैं, घर में स्क्वाश बनाते हैं, उसका डाइल्यूट करते हैं, ये अपना लोकली ग्रोन जो है, या जो हमारे लोकल फॉरेस्ट में वाइल्ड रेसबेरी है, उसका स्क्वाश बनाया है। तो ये जब इसकी प्रोडक्शन होगी, हम आराम से अपने घर में डाइल्यूट करके पी सकते हैं। इनकी कॉस्ट बहुत कम ही है, जैसे चिप्स है 100 रुपीज़ का है। अगर आप मार्केट में कंपेयर करें, जो आप डिफरेंट ब्रांड्स के चिप्स लेते हैं, 25 या 30 रुपीज़ के हैं, लेकिन उससे वो आप सिर्फ खा सकते हैं, उससे आपको कोई न्यूट्रिशनल जो है आपको फ़ायदा नहीं है। तो इसमें जो हम लोग दे रहे हैं, इसमें थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है, हम लोग कह रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट रिच है, या इसमें कुछ ऐसा बायो एक्टिव कंपोनेंट है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो थोड़ा सा रेट्स तो वैरी होगा, लेकिन इट इज़ अफोर्डेबल कि लोकल आम इंसान लोग हम इसको खरीद सकते हैं। अभी फ़िलहाल एग्जीबिशन में लॉन्च करने के लिए है। जिनको यहाँ से लेना है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखवा सकते हैं, हम उनको भेज सकते हैं। और अभी आज लॉन्च है, इसके बाद जो है थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम इसको ज्ञान को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। वो बड़ी नेशनल लेवल पे इसको लॉन्च करेंगे, फिर ये मार्केट में भी अवेलेबल होगा। मेरा नाम बिल्किसा है,
मैं गांधरबल लार से बिलोंग करती हूँ, और जो हमने ये प्रोडक्ट है ये दही है असली, हम इसका नाम भी है, ब्रांड है असली दही उम्मीद का। हम NRLM में एक मेंबर थे पहले, तो जब हम जुड़े सेविंग्स की तो नए नए आइडियाज़ मिले हमें, तो हमने स्टार्ट किया, सोचा कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें। एक्चुअली जो हमारी एंटरप्रेनर वो दूसरी है, हम वहाँ पे एज काम मेंबर भी है और वहाँ पे काम भी करता है, स्टाफ है हम वहाँ पे। तो उसने स्टार्ट बोला कि हम क्यों ना कुछ नया करें, इनोवेटिव। तो हमने ही स्टार्ट किया यही दही का बिजनेस, मतलब दूध लाते हैं, खुद जमाते हैं, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी पाउडर, हम ये प्योर होता है सब। जब हम NRL में जुड़े तो वहाँ से ही हमें आइडियाज़ मिले क्या क्या कर सकते हैं, तो इनिशिएटिव वहाँ से ही दिया गया हमें NRLM से, मतलब लोनिंग हमें ज़रूरत थी, कुछ भी सपोर्ट चाहिए था तो NRLM ने फुल सपोर्ट किया हमें। जैसे पहले कोई पैसा नहीं लगता है जब हम इसमें जुड़ते हैं एज मेंबर, तो करते हम स्टार्ट सेविंग से, जो 100-100 रुपीज़ या किसी का बजट जितना होता है, मिनिमम होता है 100 रुपीज़ करते हैं हम इसमें। 10 मेंबर्स पहले जोड़ते हैं, बनाते हैं SHGs, उसके बाद करते हैं हम कम। लोनिंग आती है जो भी हम अगर कोई भी प्रपोजल रखे, बिजनेस प्लान रखते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, पहले वहाँ से हमें आइडिया मिला तो हमने स्टार्ट किया फिर अपना बिजनेस। पहले तो शुक्रिया अल्लाह का करती हूँ, फिर इस NRLM का, इससे हमें सपोर्ट मिला कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ आइडिया मिला, स्टार्ट किया। एक तो हमारी जो एंटरप्रेनर है उसने खुद का बिजनेस पहले स्टार्ट किया, फिर हमने कितने लोगों को रोज़गार दिया वहाँ। आज बहुत सारा स्टाफ जो वहाँ पे काम कर रहा है माशाल्लाह, ये ओवरऑल आज कश्मीर में हम डिलीवर करते हैं दूध, चाहे शादियों पे हो, मार्केटिंग भी करते हैं, एवरीथिंग सर। बहुत अच्छा जेस लगता है। मैं श्रीनगर की, मेरी बर्थ है, मैं फिफ्थ तक इधर ही पढ़ी हूँ, उसके बाद दिल्ली गई हूँ मैं, लेकिन मैं हर साल यहाँ पर आती हूँ 2013 से लेकर रेगुलर आई हूँ। दिल्ली में ये सब टेस्ट नहीं मिलता, बहुत अच्छा टेस्ट है। पिछले 2-3 सालों में जितना JKSRLM में विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आई कैन से कि जितना इनिशिएटिव्स इन दोनों हमारे ने लिए हैं, इंदू जी ने जब से ज्वाइन किया है तब से कई सारे इनिशिएटिव्स हुए हैं। थोड़े दिन पहले हमने ओयो के साथ होम स्टेज लॉन्च किए थे, उसके बाद ये नया एक फूड फेस्टिवल है जो कि अगेन फर्स्ट ऑफ दिस काइंड इन श्रीनगर हो रहा है ज्ञान फाउंडेशन के साथ, और हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को साथ में इसके जोड़ा जा रहा है। सो मुझे लगता है इस तरीके के इनिशिएटिव्स, अभी तक हमारी जो लेडीज़ थी वो हैंडीक्राफ्ट्स में और कुछ कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर्स में काम करती थी, अब वो नए नए डिफरेंट सर्विस सेक्टर में, डिफरेंट एरियाज़ में एंटर कर रही हैं और बहुत सक्सेसफुली एंटर कर रही हैं। तो मेरी बहुत मुबारकबाद है हमारी JKSRLM की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को, MD SRLM को। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर हमारे साथ आए हैं, उनका बहुत कोऑपरेशन रहा है इस कश्मीर में जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उनको आगे बढ़ाने में, मैं उनको भी कंग्रेचुलेट करती हूँ।